और बाबा ने कहा डिंग डोंग, तो देखो मेरे को तो डिंग डोंग देख के हंसी आ रही है। ये किसकी शक्ल है भाई? मान ले अगर तुझे रेक्टाइल डिसफंक्शन है और तू वीडियो देख रहा है तो तेरे को तो बुरा लगेगा ना थोड़ा सा। पहले एक्सेप्ट कर लो कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे को है। मतलब भैंचोद, यू आर अबाउट टू हैव एन ऑर्गेज्म और कोई एकदम से सोचे कि सर कट गया लोगों का और खून निकल रहा है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, वी वांट टू थैंक द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज Cambly। यू नो इंग्लिश जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए, आपकी लाइफ स्किल है वो एक तरह की, जो कि भाई हर जगह यूज होती है। और हमको स्कूल में सिखाई जाती है इंग्लिश बोलना लिखना, लेकिन हम उतने फ्लुएंट नहीं हो पाते, हम उतने कन्वर्जेंट नहीं हो पाते उसमें। और फ्लुएंसी तभी आएगी जब हम एक नेटिव स्पीकर से बात करेंगे जो इंग्लिश रेगुलरली बोलते हैं, जैसे कि यूएस या यूके के लोग। अब Cambly एक नए ग्रुप क्लासेस लेके आया जिसके बारे में गौरव प्लीज टेल आवर व्यूअर्स। ग्रुप क्लासेस बेसिकली लाई गई है ताकि आपके लिए इंग्लिश लर्निंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा अफोर्डेबल हो। और दूसरी चीज़, इस इंग्लिश लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या होगा कि आपके साथ दो बंदे और होंगे जो कि हो सकता है कोरिया से हो, कोई ब्राज़ील से हो, और वो भी सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश। प्लस दीज काइंड ऑफ क्लासेस विल बी नॉन जजमेंटल यार, कोई बंदा तुम्हें जज नहीं करेगा, तुम्हारी फ्लुएंसी की जर्नी है वो और ज़्यादा फ्लुएंट होगी। Cambly की तरफ से न्यू ईयर लॉन्च ऑफर आया जिसमें आपको 45% तक ऑफ मिलेगा अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स में Cambly के ऊपर। तो भाई जाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन यूज करो और भाई फटाफट से इंग्लिश सीखना चालू करो। Let's get back to the video now. Yes. Hi guys, welcome to Brahman Reacts. My name is Gaurav. My name is Jay. That's Tweety. Tweety का सर छुपा रखा है क्यों? Because हम देख रहे हैं आज sexual health tips, testosterone, erections, increase power now. Japanese तेल रणबीर अलावा दिया। Ding dong को मजबूत और healthy कैसे रखा जाए? हेल्दी डिंग डॉन के साथ ऐसे के यूं निकल जाते हैं क्या दो? पता नहीं भाई। ट्राइफीलिया हो जाता है क्या? शायद बियर वाइस भाई का ऐसा ही है। कुछ 6-7 महीनों में मैं 30 साल का हो जाऊंगा एंड ऑनेस्टली माय सेक्सुअल हेल्थ इज ग्रेट। यानी कि आपके भाई की डिंग डोंग की मजबूती और बाबा ने कहा डिंग डोंग, तो देखो मेरे को तो डिंग डोंग देख के हंसी आ रही है। ये किसकी शक्ल है भाई? इसी की है यार, इसी की है। मैं अच्छी होती, कैसा लग रहा है भाई? वरुण ग्रोवर जैसा लग रहा है देख। वरुण ग्रोवर, यू आर बीइंग टारगेटेड। प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यानी कि सेक्स के टाइम ना सेक्स की शुरुआत होने से पहले ही पिचकारी निकल जाती है। और तीसरा प्रॉब्लम परफॉर्मेंस एंग्जायटी। ये टॉपिक वी शुड डिस्कस एंड वी शुड नॉट लाफ ऑन इट ऑन दिस, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। बट बाबा ये क्या मतलब है ऐसे बोलने का कि पिचकारी निकल जाती है? मतलब ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम्हारा एड वगैरह तुम्हारे से ही चलती रहे, येलो साइन ना आए यूट्यूब पे। अबे बट उसके बाद तो ये देखना यार, जितना इसने रोस्ट करा है, अगर एक डॉक्टर होता है, यू सी अ डॉक्टर वीडियो यार, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कोई डॉक्टर की वीडियो होगी तो वो नॉर्मली बताएगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। हाँ। और सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या, वो रोस्ट नहीं करेगा उसको, क्या तुम्हारा डिंग डोंग भी खड़ा नहीं होता, तुम्हारे भाई लेके आया है। हाँ, सही बात है। और पिचकारी, क्या तुम्हारी पिचकारी कुछ भी करने से पहले ही निकल जाती है भैंचोद। मतलब दिस इज अ एक्चुअल प्रॉब्लम ना, और जो फेस कर रहा होगा, मान ले अगर तुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और तू वीडियो देख रहा है तो तेरे को तो बुरा लगेगा ना थोड़ा सा। वही तो मैं उसी के पर्सपेक्टिव से सोच के कह रहा हूँ। बाकी ये देखना, सोच, इट्स लाइक सेइंग टू वो क्या नाम है वो ठाकुर कि हाथ नहीं है तो डिंग डोंग अपना कैसे हिलाता होगा, ये आज तुम्हारे बड़े भैया आएंगे बताएंगे। यानी कि जितनी ज्यादा देर के लिए आपका लिबिडो मजबूत रहेगा उतनी ज्यादा देर के लिए फोकस कीजिए। पर ये भी जानिए कि उम्र के साथ साथ, शायद 60 साल की उम्र के बाद, शायद 70 साल की उम्र के बाद, या कुछ ग्रेट खालियों के केस में 80 के उम्र के बाद, आपका लिबिडो ऑटोमेटिक। भाई इसको कैसे पता खली का लिबिडो के बारे में? भाई खली ठीक है भाई, ताकतवर है, बेंचो लिबिडो क्या पता उसका कमजोर हो, कोई मेडिकल टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। और क्या बेंचो, और खली क्यों ही आगे बताएगा कि मेरा लिबिडो कम है? सही बात है भाई, मान लेते से पूछू तेरा लिबिडो क्या सीन है? बढ़िया है भाई, एकदम फुल पावर। हाँ तो मेरे पास यही से ही दे दूंगा गूगल मीट से। ये तो चुतिया है भाई, कोई नहीं भाई, देखो सेक्सुअल बातें करोगे ना किसी के साथ बहनचोद, कोई तुम्हें सच नहीं बताएगा भाई। गौरव भाई से पूछूं मैं, गौरव भाई आपका साइज बढ़िया चल रहा है? साइज कितना है भाई? बढ़िया चल रहा है, देख क्वेश्चन भी नहीं सुनूंगा मैं, क्वेश्चन भी नहीं सुनूंगा मैं, बोलूंगा बढ़िया चल रहा है। अबे यूनिट में बताना कितना बड़ा है तेरा? तेरे से 1 इंच बड़ा है, तू बता तेरा कितना है? ठीक है भाई, मेरा उतना है कि मतलब जितना हेल्दी होता है उससे अगर 1 इंच भी ज्यादा है तो बेंचो एनएलडी की कैटेगरी। तो
तो मतलब तेरा अनहेल्दी में ना नहीं भाई सिगरेट फूकना, गांजा फूकना, अल्कोहल पीना और जंक फूड खाना बहुत बेसिक है, ये फिटनेस वीडियो नहीं है, इसलिए मैं इन चीजों को इलैबोरेट नहीं करूंगा। जितने भी सेक्सुअल हेल्थ स्टडीज हुए हैं आज तक साइंस के थ्रू, उनमें यही पता चला है कि ये जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं ना, जिन्हें मैंने नेम किया, आपको नशे तो दे देते हैं पर लॉन्ग टर्म में आपके हार्मोनल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और देयर वाज अ टाइम जब रणवीर भैया बहुत अल्कोहल पीते थे, हाँ, ड्रग्स भी करते थे, अब बैंच, और वो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि कोई भी हार्मोन हिल जाता तो हिल जाता है, फिर हिला ही रहता है, अब बैंच और लिबिडो इनका तेज हो गया, बैंच वाह हिला रहता है और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छा नहीं होता। नर्वस सिस्टम के थ्रू हिल रहे हैं, आपकी ब्रेन आपके हाथों को एक सिग्नल भेज रही है कि यार प्लीज इन हाथों को हिलाओ, उसी तरह आपके वहां भी नर्व्स होते हैं, और अगर उन नर्व्स में थोड़ी डैमेज हो गई स्टेरॉइड यूज की वजह से, कोई इंजरी की वजह से, या कोई जेनेटिक इलनेस की वजह से, फिर आपके इरेक्शंस बंद हो गए, आपका नन्नू रह गया सॉफ्ट हमेशा हमेशा के लिए, वो होती है क्लिनिकली डायग्नोस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो एक क्या बात है रणवीर, नाइस इन्फॉर्मेशन ब्रो, अब इसने दिए कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन। व्हाट डू यू थिंक दिस इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम भाई, इट्स ऑल एक्सपीरियंस भाई, फर्स्ट ऑल दीस थिंग्स हैपन एंड देन यू स्टार्ट प्रमोटिंग सेलिबेसी, मतलब सारी बात बात कर लो लड़कियों लड़कियों से, फ्लर्ट व्लर्ट कर लो एकदम मस्त, अब नेक्स्ट लेवल सेक्स करने की बात आए तो एक डर है, कह दो एक मिनट सेलिबेसी, थिंक अबाउट इट भाई, थिंक अबाउट, एक बंदा जो सेक्स ना कर पाए क्या ही प्रमोट करेगा वो, बट बाबा फिर वो बंदियों से भी क्यों ही फ्लर्ट करेगा, मतलब तू बता, तू अगर सिंगल होता अभी, तो तू मान ले तू रिलेशनशिप है, मान लो हाइपोथेटिकली जय भाई सिंगल है ठीक है, और जय भाई का टिकटॉक चलता नहीं है, तो जय भाई क्यों ही फ्लर्ट करेंगे किसी बंदी से, व्हाट वुड बी द मोटिवेशन बिहाइंड इट। हाँ वैसे ये बात भी ठीक है, वैसे पॉइंट है, आई नेवर बीन देयर ना, यू मस्ट बी नोइंग बेटर। एक सेकंड, ये क्या होता है भाई, हाइपोथेटिकली चल रहा है अगर मान लो सेक्स के पहले आपका नुन्नू खड़ा नहीं हो रहा तो मोस्टली एंजाइटी रिलेटेड होता है, अब इस सुविधा का समाधान क्या है भाई ने बोला सुविधा का समाधान पहले एक्सेप्ट कर लो कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे को है। स्टेप वन एक्सेप्ट कीजिए कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, स्टेप टू अपने पार्टनर को बताइए, आपके गर्लफ्रेंड आपके वाइफ को बताइए कि यार मुझे ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके पार्टनर का सपोर्ट बहुत जरूरी है इस चीज में। परफॉर्मेंस एंजाइटी यार चीज तो है, मतलब नॉर्मल है, अ लॉट ऑफ टाइम हैपेंस। हां वैसे सही बात है, मतलब आई एग्री टू इट भाई, एंड लाइक टॉकिंग टू योर पार्टनर और क्लियर कम्युनिकेशन करना, मतलब कई बार लौंडे क्या करते हैं ना, बैंचो इससे मजाक उड़ाने लग जाते हैं एक दूसरे का, कहते हैं तेरा लंच छोटा है या तू बैंचो 2 सेकंड में तेरा छिड़ जाएगा। हाँ ऑल दीज थिंग्स वी डू नॉट प्रमोट हियर इन राउंड वन। हाँ मतलब कि बैंचो मजाक में बोल सकते हैं बट किसी का सच में हो तो उसको हर्ट कर सकती है वो चीज, नहीं सही बात है भाई। आई विल स्टॉप सेइंग दिस टू यू नाउ गौरव, सेम हियर बाबा, ठीक है भाई, आज से एक पैक्ट है, अब नहीं बोलना। बट एनीवेज यार टॉकिंग टू योर पार्टनर, क्लियर कम्युनिकेशन होना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करोगे चीज सॉल्व हो जाएगी, रोने रोने धोने का अपना धंधा नहीं है बाबा। प्री मैच्योर इजैक्युलेशन यानी कि सेक्स की शुरुआत होते हुए ही हाइड्रो कैनन छोड़ देना, यानी कि 3-4 स्ट्रोक्स किए। मीम कौन सा यूज करा है भाई, तारक मेहता की उल्टी चश्मे वाला, बापूजी के ऊपर कौन छोड़ता है भाई। यानी कि 3-4 स्ट्रोक्स किए और ओके, ये भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं तो पूरी तरह से नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूं, बट मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस दे सकता हूं पूरी तरीके से नहीं दे सकता क्योंकि ये तो अभी चल रही है मेरी लाइफ में, बाकी भाई थोड़ा बाकी तो थोड़ा थोड़ा पता था मेरे को, ये वाली मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी आपकी बुक पढ़ के। रूडेस्ट इजैक्युलेशन एवर। प्री मैच्योर इजैक्युलेशन के बहुत सारे मेडिकल रीजन हो सकते हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये वीडियो क्यों बनाई, किसी डॉक्टर को बुला के बात कर लेता ना उससे, इससे चल। डेफिनेटली ब्रो एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, दूसरे भाइयों से बात करके बता सकता हूँ कि क्यों होती है प्री मैच्योर इजैक्युलेशन, जो ब्रोस सेक्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना। तो मतलब काफी लो स्टैंडर्ड है मतलब। सच में। क्योंकि बैंचो लो से ऊपर तो थोड़ा हम आते हैं। आपने नंबिंग क्रीम लगाई तो आपको लगेगा कि आपका नुन्नू इज कॉट ऑन फायर, या तो आपके नुन्नू को किसी ने काट के फेंक दिया है, आपको ये वाली फीलिंग आ सकती है, बट सम गाइस आर ओके विद नंबिंग क्रीम्स। तो आपने यूज किया बाबा नंबिंग क्रीम कभी? नहीं भाई, मेरे को पता भी नहीं था क्या होती है भाई नंबिंग क्रीम, तूने यूज करी है? नहीं भाई, कौन यूज करता है बाबा, यूज तो वो करता है ना जिसको दिक्कत होती है, हमें तो दिक्कत ही नहीं है, रणवीर भाई को भी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। अब देखो 3 लोगों ने झूठ बोला है। दिस इज द पैराडॉक्स कि जितने बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं सबका सही चल रहा है। सबका सही चल रहा है भाई। नहीं चल रहा तो कमेंट्स में लिख के बताओ। अगर तुम्हें ये वीडियो लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारा सही नहीं चल रहा, तो कमेंट्स में लिख के जस्ट शेयर इट, वरना यू एग्री विद अस, तो जितने व्यूज आएंगे सब एग्री करते भाई कि दिस इज अ यूजलेस वीडियो भाई, ये बनानी नहीं चाहिए थी क्योंकि सबका सही चल रहा है। आई पर्सनली सजेस्ट सेक्स से पहले एक बार नंबिंग क्रीम या नंबिंग कंडोम के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। बाबा खरीद लो ये, आप कहते हो बाबा तो खरीदना ही पड़ेगा,
अपने पार्टनर की तो बात माननी पड़ती है ना। सेक्स के स्टार्ट होने के एक या डेढ़ मिनट बाद ही आपको करना है, तो होने से पहले क्या होना चाहिए आपके दिमाग में? देखो बिल्कुल छींकने की तरह होता है, आपको पता रहता है कि हाँ छींक अभी निकलने वाली है, इसलिए जब आपको वो 10% छींक फील हुई ना, किसी और चीज के बारे में सोचिए। जैसे मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि लोगों का सर कट गया और खून निकल रहा है। वाह मेरा बैठ जाएगा, मेरा भी बैठा हुआ है और बैठ जाएगा। मतलब भैंचोद यू आर अबाउट टू हैव एन ऑर्गेज्म और कोई एकदम से सोचे कि सर कट गया लोगों का और खून निकल रहा है। आई गेस ये जोक था, रणवीर भैया जोक करना चाह रहे थे। जिस लुक एट हिज फेस, काश ये कुछ और बोल दे इसके बाद, मैं मजाक कर रहा हूं और आप, ये असली चीज है, काश ये बोले, काश। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। या आपकी दादी मां के बारे में सोचिए। यहाँ बस एडवांस मैथमेटिक्स करने लगे, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन। या ये सच बोल रहा था क्या? एक सेकंड, या बोल रहा है और बोल रहा है ये। क्या 6,337 × 18 क्या होता है? कुछ भी कीजिए ताकि आपको एंटी हवस फील हुए छींकने से पहले, आपकी छींक को 10% छींक से 0% आ जाएगी, फिर से 10% आने लगेगी, फिर से चीजों के बारे में सोचिए, फिर से नीचे लाइए। भाई देखो ये नंबर वंबर वाली चीजें कर लो, लेकिन दादी के बारे में मत सोचना। सही बात है भाई, क्योंकि वो मर चुकी है। हो सकता है किसी की जिंदा भी हो, पर फिर भी क्यों सोच रहे हो भाई दादी के बारे में? फिर भी क्यों सोच रहे हो भाई यार? क्या भाई, क्या दादी ने सोचा था करते हुए तुम्हारे बारे में? और अगर ये हो रहा है तो फिर गलत है भाई। अगर दादी तुम्हारे बारे में सोच रही है, तुम दादी के बारे में सोच रहे हो, दैट्स आल्सो वेरी रॉन्ग। रणवीर भाई कुछ ना कुछ दे जाते हैं ऐसा ना। हाँ, गलत एडवाइस, बड़े भैया बन के एकदम। मुझे लगा था पहली बार रणवीर भाई की एक वीडियो देख रहा हूँ जिससे मैं एग्री कर रहा हूँ हर जगह की, चलो ठीक है भाई, यहाँ भी सही एडवाइस, यहाँ भी सही एडवाइस, यहाँ भी सही। अब ये देखो क्या बोलती है, दादी के बारे में सोचो। आजकल बहुत सारे सेक्सुअल कंटेंट क्रिएटर्स निकल के आए हैं जो कहते हैं कि पॉर्न इज ग्रेट, पॉर्न से मैंने बहुत कुछ सीखा। समवन इज फैंटास्टिक ऑन सेक्स लाइफ। हां जी, शायद आप पॉर्न से थोड़े सेक्सुअल मूव्स डेफिनेटली सीख सकते हो, पर उन्हीं पॉर्न वीडियोस की वजह से अगर आप हर दिन हिला रहे हो ना, तो वो पॉर्न एडिक्शन मानी जाती है, जहां आपके डोपामिन सिस्टम, यानी कि आपकी बॉडी की एक्साइटमेंट हार्मोन कब रिलीज हो रही है, आपके हिलाने के टाइम। क्या देख रहे हो आप जब आप हिला रहे हो? आप देख रहे हो दो दूसरे मनुष्य और आपका डोपामिन सिस्टम फिर सेक्स को एसोसिएट करने लगता है विजुअल से। तो बाबा एक बात बताओ, अगर कोई इंसान है जो अपनी दादी के बारे में सोचता है, तो वो कौन सी वाली पॉर्न देख रहा था? दादी वाली भाई। वैसे तो वो ग्रैंडमा पॉर्न ही होती है, बट स्टेप लगाना पड़ता है उन्हें आगे। एज अ फॉर्मर टीनेजर भी बोलूंगा, हम एक जमाने में थे पॉर्न के फैन, बिल्कुल तेरे जैसे छोटे भाई, और जो सेक्स हम तभी एक्सपीरियंस करते थे वर्सेस नाउ आफ्टर द पॉर्न एडिक्शन एज अ नॉर्मल 20s मेल, ये वाला सेक्स बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सेक्स करने के टाइम आप इमेजरी के बारे में नहीं सोच रहे हो। अगर आपको कम करना है, आप ये नहीं सोच रहे हो कि यार मैं थर्ड पर्सन। बट टीनेजर को मिल भी तो नहीं रहा था। सही बात है भाई, वो क्या करे बेचारा, ये भी तो सोचो दोस्त। और तूने, ये तो गलत है ना भाई, अब तुम जो बचपन से आइसक्रीम खा रहे हो, आज तुम मोटे हो गए तो तुम अपने बच्चे को रोक रहे हो आइसक्रीम मत का। तूने आइसक्रीम के मजे लिए ब्रो, उसको भी लेने दे। लिमिट में खाओ, रात को ब्रश करो, दो बार ब्रश करो। सही बात है भाई। It's always better to get out of porn addiction. हफ्ते में अगर एक दो बार से ज्यादा आपने porn देखा, मतलब addiction बन चुकी है। अगर आपको हिलाना है तो हिला लो, बट सोच के हिलाओ, ना कि देख के। या तो भैंचो हिलाओ ही मत। ये क्या होता है, सोच के हिलाओगे तो ठीक है, देख के मत हिलाओ। तो मतलब सेक्स कर रहे होंगे तो फिर सोच लेंगे ना। तूने सोच के हिलाया कभी? सोच के भाई हिलाया तो है भाई, पहले जब था नहीं जियो तो यही करते थे। पहले को ट्रू है भैंचो ऑडियंस को लेके, यहां भैंचो फिल्टर विल्टर नहीं है फालतू का। हां ये बात है, देख सोच के हिलाया मैंने भी, बट सोच के वो मजा नहीं है भाई, जो देख। नहीं नहीं, और डिफरेंस मतलब क्या है उसमें, मेरे को ये समझ नहीं आया। मतलब ये हो सकता है कि तुम वैरायटी ला सकते हो, कभी तुम सेक्स स्टोरी पढ़ लो, कभी तुम कॉमिक खोल लो, कभी तुम मैचो हेंताई देख रहे हो, कभी तुम ये देख रहे हो, फिर कभी तुम रियल सेक्स कर रहे हो। मतलब तुम एक वैरायटी ला सकते हो इन योर सेक्सुअल लाइफ, बट तुम ये नहीं कह सकते कि तो सिर्फ सोच के ही हिलाओ और उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा सोच के हिलाओगे तो उससे भी दिक्कत होगी दोस्त। सही बात है भाई, क्योंकि फिर तुम सेक्स करोगे तो सोचते रहोगे, सोच सोच के मैचो निकल जाएगा तुम्हारा कुछ ना कुछ। तो मतलब रणवीर भैया कह ही जाते हैं सेक्सुअल टिप में, जो होती नहीं है सेक्सुअल टिप। अब वही है ना मैं, जो टिप हो 5 मिनट की है, 19 मिनट की वीडियो बनानी हो, कहीं ना कहीं तो फिर निकलोगे ना आप। हो तो नोफैप को फॉलो कीजिए, यानी कि मैस्टरबेशन थोड़ी सी अवॉइड कीजिए। अगर आप हफ्ते में एक या दो बार सेक्स कर रहे हो तो आपका सेक्सुअल स्टैमिना बढ़ेगा, आपके इरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड ओवरऑल द सेक्स विल बी अ लॉट मोर फन। स्टैमिना बढ़ता है ये करने से, स्टैमिना बढ़ता नहीं है अगर तुम्हें, कम हो जाता है। हां मतलब क्योंकि यू गेट मोर एक्साइटेड फॉर नो रीजन एट ऑल। फॉर मी द बेस्ट थिंग इज कि मैं सेक्स जिस दिन कर रहा हूँ उससे लाइक मतलब अगर मैं अभी 7 बजे सेक्स कर रहा हूँ, तो इससे 8-10 घंटे पहले अगर मैं हिला लूँ ना, तो बेस्ट सेक्स तो बेस्ट सेक्स होता है भाई। दैट इज व्हेन आई एंजॉय द मोस्ट, दैट इज व्हेन आई लास्ट द लॉन्गेस्ट, वो वाली चीज होती है भाई। बट द क्वेश्चन इज दैट इज व्हेन शी एंजॉयज द मोस्ट। हाँ दैट्स ट्रू एज वेल, तो इट्स लाइक विन विन फॉर बोथ वाली चीज हो जाती है। पर अगर बाबा गलती से मान लो आपने 10 घंटे पहले नहीं हिलाया, मतलब एक तरीके से आप ये कर रहे हो ना कि दाल बनाने के लिए पहले से भिगो के रख रहे हो। हाँ इट्स लाइक दैट।
अगर मान ले कि एक दिन तू बहन जो दाल भिगोना भूल गया बाव फिर उस केस में वही है ना, फिर दादी के बारे में सोचो। ऑप्शंस तो है ही, भागना, स्पोर्ट्स, डांसिंग, एरोबिक्स, इन चीजों की वजह से। लेफ्ट, टॉप लेफ्ट में देख कैसे भाग रहा है। स्लो करता हूँ, रुक फिर। SSB जयवर्मा इज आउट। डांसिंग भाई ऐसे मत भागना, ठीक है? हाँ भाई, बहन जो चटक चुटक गए ना, फिर मत बोलना बाद में। चारों ही चीजों में अपनी ही फोटो लगाई है साले ने। वही करता है भाई, और कौन करता है? चारों चीजें कौन करता है तू बता? तू सिर्फ रनिंग करता है? हाँ भाई, मैं सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी करता हूँ। चारों चीजें कौन करता है? फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है पूछ ली के तू? फ्लेक्सिबिलिटी बाबा वही, पार्क में घूम लेता हूँ थोड़ा सा अंकलों के साथ, थोड़ा पत्ते वत्ते खेल लेता हूँ, पत्ते वत्ते खेल लेता हूँ थोड़ा अंकलों के साथ, 10-20 रुपए कमा लेता हूँ, फिर उसका सुट्टा भूख के मस्त वापस आ जाता हूँ। तुम क्या करते हो? तुम भी तो छोटी गोल्ड फ्लेक पी रहे हो भाई। छोटी गोल्ड फ्लेक इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ी भूखो के तो गलत है भाई। हेल्थ एडिक्शन है भाई, फिर वो तो एडिक्शन है। हां एडिक्शन है भाई। सेटिंग और योगा की वजह से आपको मिल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बेनिफिट्स, यानी कि आप एकदम रिजिड नहीं बनोगे, आप बेड में एकदम ऋतिक रोशन की तरह मूव कर सकते हो, ठीक है? मैनचेक कौन सी पोजीशन में ये मूव चाहिए होता है बाबा? ये क्या हो? तुम लड़की के अंदर घुस गए क्या जो ये करना पड़ेगा? ये देख मतलब क्या तुम डोरेमोन की स्मॉल लाइट मार के छोटे हो गए, फिर अंदर घुस के ये करोगे? एडिटर कौन है भाई ये? ठीक है, मतलब हेल्दी खाना खाइए, बात करिए, पॉर्न देखना बंद मत करना, ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब जबरदस्ती नहीं है दोस्तों। हम समझते हैं तुम्हारे हार्मोन्स ज्यादा हो रहे हैं, तुमको सेक्स नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, करो भाई। अभी ये जैसे वीडियो खत्म हुई बहन जो पॉर्न देखो। हाँ मैं तो कह रहा हूँ, जय भाई की इंस्टा प्रोफाइल जाओ, वहीं देखो, ठीक है भाई? आई मेरी स्टोरी चेकआउट मार और फॉलो कर लेना उससे पहले, हिलाने से पहले जय भाई की फोटोस पे, वरना बहन जो पैसे लूंगा वरना। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली, क्योंकि रणवीर भाई जो गलत एडवाइसेस दे जाते हैं उन्हें सही करने का हमें मौका मिलता है, रणवीर भाई की वीडियो के एडिटर बनने का हमें मौका मिलता है। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर रणवीर भाई, इफ यू वाचिंग दिस। यस, आल्सो टू ऑल द सेक्स एडवाइसेस, हु आर वी टू कमेंट, बिकॉज़ वी आर ऑल वर्जिन्स। दिस इज फॉर यू मम्मी। तुझे लग रहा है तेरी मम्मी 15 मिनट के एंड तक देखेगी? वो तो पहली देख के तुझे अपने बेटे से वो कर दिया ना उन्होंने, विधवा कर दिया ना, डिसोन कर दिया ना तेरे को। That's it for this video. Like this video, comment down below and share it with your friends, because sex, health, trip कह रहा हूँ, sexual health tips जो है वो brown money stuff पे मिलती है सबसे best। चलो yes, true health। देखो गुरुमान हूँ मैं, गुरुमान की advice लो, गुरुमान की videos देखी तूने? गुरुमान ऐसा खड़ा होता है, देखिए जो egg है, egg खाने से बहुत ज़्यादा आपको protein मिलता है, protein आपके लिए अच्छा होता है, आपकी body के लिए protein एक बहुत ही better With this, diet होता है। With this, we end this video. Okay, bye.